नौगछिया के खरीक प्रखंड के चोरहर गांव में कोसी नदी के कटाव में अपना सब कुछ गंवा चुके ग्रामीणों का हाल लेने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कटाव स्थल पर पहुंचकर कटाव का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों से हालात को लेकर बातचीत की। इस दौरान महिलाओं ने विधायक से कहा कि अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा उन लोगों को नहीं मिली है। वहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार जो बालू भरा बोरा डाल रही है उसके बदले बोल्डर देने से ही कटाव रुक सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि हर एक साल यहाँ पर कटाव के कारण ग्रामीण विस्थापित होते हैं। अगर सरकार ग्रामीणों को ऊंची जगह पर जमीन दे दे तो ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं विधायक ने भी स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री और अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को राहत मिले इसके लिए बात करने की बात कही है। सीधा जमीन को दो चार घर तो एक बार में खत्म हो गए। सामान भी नहीं निकला। कितना डर लगी? बहुत ज्यादा डर लगता है। रात भर सोते नहीं है। 12-1 बजे रात तक 2 बजे रात तक जगे रहते हैं। कपड़ा उठावे के घर कटी रहे के कोशिश में। अच्छा यार फेरो कभी कहां लेके जा रहे हो? इधर ले जे ऊपर में कहीं रखबे ना स्टिक में से ठोस करिए जो तरीका से पुला का ठोस बनचबे तरीका से हमरा इन नदी ठोस खाली ठीक तरह मोटबे बस हम या चाचा के कंटा पकड़ के पानी दिन रहे और हमरा से निकास राम दिए हमरा से कन्हे जमीन दिए 4 साल से कटे रहते 3-4 साल से बोरा दे छे बोरा नहीं रहे छे तो बोरा के साथ ही बोल्डर है पुल जो दत्त है हमरा से सहायता होत है नहीं है स्थिति भयावह है। जो ये बोरा अभी दिया जा रहा है और पहले भी थोड़ा दिया गया था उससे काम नहीं चलेगा जब तक इसको गार्ड वाल और बोल्डर पिचिंग नहीं होगा। मैं सबौर में भी जब गया था मैंने माननीय मुखिया से आग्रह किया था परमानेंट काम, ये तो लूट है और बचेगा भी नहीं। लोग अभी कह रहे थे कि जितना जमीन बस बोरा से बचाते हैं उससे अधिक कट जाता है। उस पार भी कोसी का कहारपुर ले लीजिए, मिर्चाया ले लीजिए, सब जगह कटाव हो रहा है, सब जगह घर कट रहे हैं। नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी NH80 पर बोलेरो एम्बुलेंस व कार में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई जहां मौजूद लोग एम्बुलेंस चालक को पकड़कर गाड़ी में हुई क्षति की भरपाई का दबाव बना रहे थे। तभी सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस की गश्ती दल ने दोनों गाड़ी को सड़क से हटाकर थाना लेकर आई। मिली जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस चालक बरारी थाना क्षेत्र के झौवा कोठी निवासी गणेश मंडल का पुत्र राहुल कुमार मरीज को लाने जमालपुर जा रहा था। तभी दोगच्छी के पास सुल्तानगंज की ओर से आ रही कार से आमने सामने की टक्कर हो गई जिससे दोनों गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार चालक नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी नित्यानंद राय के पुत्र गुलशन सिंह खुद कार चलाकर लखीसराय से वापस घर आ रहे थे। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि वाहन को थाना पर लाया गया है, लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्थित स्पर संख्या 5A1 का नोज ध्वस्त हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र प्रसाद मुख्य अभियंता वगैरह स्पर संख्या 5N1 पर पहुंचे और NC में बालू भरी बोरियों से रेस्टोरेशन का कार्य करने का निर्देश दिया। हालांकि रेस्टोरेशन का कार्य करवाया जा रहा है परंतु NC में फटी हुई बालू भरी बोरियां दी जा रही है। बताते चले 70-75 दिन पूर्व ही पुरानी सीमेंट की बोरियों में बालू भरवा कर तटबंध पर जमा करवाया गया था जिस कारण अधिकांश बोरियां जीर्णशीर्ण अवस्था में आ गई है। वहीं बोरियों से फ्लड फाइटिंग का कार्य करवाया जा रहा है। अब ऐसे में इस प्रकार के फ्लड फाइटिंग कार्य से अस्पर को बचाने का कार्य कितना कारगर साबित होगा यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। परसों से कट रहा है तो उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद वरीय पदाधिकारी के आदेश के मुताबिक NC करने का आदेश हुआ। एक NC में कितने बोरे जाते हैं इसी बार? किसी में 28-25। तभी तो आपके सामने में लेबर बोला तो कि 10 बोरी गैप जहां छूट जाता है तो गैप को भरने के लिए एज पर सिचुएशन की ऊंचा नीचा न हो इसीलिए NC में ही डालना है, उसको लूज में नहीं डालने का निर्देश। तो ये आदेश कौन किए हैं कि एक NC में जो है 10 बोरी डालना? नहीं, 10 बोरी डालने का नहीं है। अध्यक्ष कौन किए हैं? कौन किए हैं अध्यक्ष? किए हैं आदेश? अध्यक्ष जी भी थे तो 10 बोरी डालने के लिए 10 बोरी डालने का आदेश नहीं है। तो लूज बोरा डालने के लिए बोले हैं? लूज बोरा भी नहीं डालना है। बहुत सारा बोरा आपका फटा हुआ है।
इसमें जो भी फटा हुआ बोरा डालने का भी आदेश नहीं उसको, इन्होंने हमरा सब से जगह डालना नहीं है, करवावा से कम सब फटले बोरा दिल को हम जे दे रहा। भागलपुर की बॉक्सरों को भी शौक है कि वो मेरी कॉम की तरह फलक पर पहुंचे, देश का नाम रोशन करे, लेकिन यह संभव तो तब होगा जब सुविधाएं मिलेगी। जिले में बॉक्सिंग रिंग तो है लेकिन हालात काफ़ी बदतर है। विरोधी से भिड़ना तो दूर, बॉक्सर इस रिंग पर चढ़ने से भी कतराते हैं। भागलपुर जिला स्कूल में बना बॉक्सिंग रिंग अब मैच के लायक नहीं रहा है, ना ही ढंग से उसमें प्रैक्टिस हो सकती है। देख रेख के अभाव में रिंग की हालात बदतर होती जा रही है। बॉक्सिंग रिंग ही नहीं बल्कि पूरे भवन की हालात जस की तस होती जा रही है। जबकि इस रिंग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर की दो महिला खिलाड़ियों के पदक जीतने की खुशी में दिया था। बता दें जिला स्कूल में लाखों रुपए की लागत से बॉक्सिंग रिंग का निर्माण कराया गया था, देखरेख के अभाव में खस्ताहाल हो गया है। बॉक्सिंग रिंग में पानी टपक रहा है, दीवार की चारों तरफ से दरारें आ गई हैं। रिंग में पानी टपकने के कारण प्रशिक्षण के लिए पहुंच रहे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। यहां पीने की पानी की सुविधा नहीं है, ऐसे में कैसे खिलाड़ी अपने को तैयार कर पाएंगे। देखरेख के अभाव में बॉक्सिंग रिंग लबालिश पड़ा हुआ है। इसी लचर व्यवस्था की वजह से जापान के टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेल में भारत के 122 खिलाड़ियों में एक भी बिहार का खिलाड़ी नहीं है, जबकि बिहार देश के ज्ञान की राजधानी की रूप में प्रसिद्ध रहा है, लेकिन खेल के मामले में एक भी खिलाड़ी विश्व स्तर का नहीं है। हमें स्पेस की कमी, वॉशरूम और गर्ल्स चेंजिंग रूम, उन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं और गर्ल्स को वॉशरूम और चेंजिंग रूम की असुविधा के कारण हम लोग को सोचना पड़ता है कि अगर सुबह हम लोग जाएंगे तो फिर चेंजिंग रूम का जो भी है, हम लोग ड्रेसअप होकर के प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रेसअप होकर के प्रैक्टिस करने से हम लोग में वो एक्टिविटी आती है जो हम लोग रिंग पर करते हैं। यहाँ के अजीत शर्मा जो है विधायक, उनसे भी बात हुई थी, हम लोग खुद गए थे उनके घर पर बात करने के लिए, बात हुई थी, सर बोले थे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं। और असुविधा की पूरी बात है तो असुविधा तो हम लोग के पास भरा पड़ा है, देख लीजिए जैसे रिंग पे पूरा पानी पड़ता है और कम स्पेस है रिंग के पास, जिसमें कोई भी टूर्नामेंट यहाँ पे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे पिछले साल स्टेट करवाया गया था प्रशासन के द्वारा, तो ये कम स्पेस के कारण यहाँ पे दीवार था, इसके सटा हुआ रिंग हम लोग को 2014 में ही मिल गया है लिखित, और उसमें DM सर लिख दिए थे, तो हम लोग को एक ही रूम दिया गया जिला स्कूल के द्वारा। फिर प्रशासन मैच द्वारा हुआ तो ये दीवार मजदूर के द्वारा तोड़वा के और इसको थोड़ा सा बढ़ाया। खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह का जो स्कीम है वो इस जिले में जो है अभी आप देखेंगे तो वो संचालित है, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, खेल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके एक फ्लोर पर डिफरेंट खेल की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त संडिस कंपाउंड में आप देखेंगे तो दो वहाँ पर ऑलरेडी टेनिस कोर्ट बंद करके तैयार है, तो कोविड के कारण उसका यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे पहले खेलते थे। चार हम लोग उसमें और हम लोगों ने प्रपोज किया है और जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया, तो छः कोर्ट बन जाने से तो राष्ट्रीय स्तर का भी इवेंट जो है वो भागलपुर में हो पाए। अंगिका को बढ़ावा देने के लिए कई कवि सामने आए, उसमें से एक सोशल मीडिया पर काफी चर्चित होते नजर आ रहे हैं आज के युवा कवि डॉक्टर मंजीत सिंह किनवार। वे आजकल सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं। मंजीत किनवार के गजल संग्रह पुस्तक जिनका नाम कुछ तो कह जाते का विमोचन किया गया, जिसमें शहर के कई गुरुजनों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और फिर पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सितार वादन, नृत्य की प्रस्तुति एवं कई कवियों ने अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। बताते चले मंजीत किनवार मूल रूप से मुंगेर जिला के महिमाचक की निवासी हैं, लेकिन उनकी शिक्षा अपने ननिहाल खगड़िया के सियादतपुर अगवानी पंचायत के मध्य विद्यालय एवं बिहार केसरी एवं मोतिहारी उच्च विद्यालय डुमरिया बुजुर्ग से हुई है। उन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली है। बताते चले वो अभी मारवाड़ी कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अंगिका में कई छोटी छोटी फिल्में भी बनाई है। कुछ दिन पहले उनकी आई फिल्म ऑनलाइन काफी सुर्खियों में रही थी। इस फिल्म का उद्देश्य था कि इस बदले परिवेश में जब अधिकतम काम ऑनलाइन होता है, शिक्षा भी ऑनलाइन मिल रही है, ऐसे में हमारा समाज बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।
सखीचंद घाट रोड नया बाजार भागलपुर में अवस्थित अभिषेक अग्रवाल मोती मातृ आई केयर का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन में JLNMCH के सिविल सर्जन ने फीता काट कर और नारियल फोड़ कर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन में शहर के कई डॉक्टर व ट्रस्ट के कई अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ आँखों की जाँच, आँखों का ऑपरेशन, मधुमेह जाँच, ब्लड प्रेशर जाँच एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती एवं अभिषेक भारती मोती मातृ आई केयर को देख रहे हैं। सभी नए तकनीकी उपकरणों के साथ यह संस्थान पूर्ण रूपेण भागलपुर व भागलपुर के आसपास के लोगों को सहायता देने के लिए तत्पर दिख रही है। मोती मातृ सेवा सदन ये पहले मैटरनिटी का काम करती थी और अब उन्होंने नया पड़ाव लिया है आई का। यहाँ पे आँखों की जाँच, आँखों का ऑपरेशन, मधुमेह जाँच, ब्लड प्रेशर और यहाँ के जो टस्टीगन है नंदी ढंगनिया जी वो मेजिंग टस्टी है और भी टस्टी जी हैं यहाँ पे। ऑनलाइन ग्रोत कुमार अग्रवाल उन्होंने अपने बेटे के नाम पे ये अस्पताल बनवाया है। पीरपैती प्रखंड के बाराहाट स्थित केजरीवाल धर्मशाला में मारवाड़ी युवा मंच बाराहाट शाखा का गठन हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आगंतुक अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात आगंतुक अतिथियों का सम्मान अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। मंच के प्रांतीय अध्यक्ष विकास खंडेलिया के द्वारा नवगठित मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बालाहाट शाखा के अध्यक्ष विवेक कुमार, सचिव आनंद टिबरेवाल, कोषाध्यक्ष गौरव केजरीवाल, उप कोषाध्यक्ष कौशिक केजरीवाल, उपाध्यक्ष आशीष टिबरेवाल एवं अभिषेक खेतान, रवि मंडावे वाला, मुकेश चनानी, मीडिया प्रभारी शिव केजरीवाल अमरलाट को बनाया गया। वहीं संरक्षक परमानंद केजरीवाल, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोविंद चनानी, प्रदीप अग्रवाल, कन्हैया परशुराम का राजेश केजरीवाल को बनाया गया। अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष अश्वनी खटोर, प्रांतीय महामंत्री राकेश अग्रवाल, संयुक्त मंत्री निखिल चिरानिया, मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर के उपाध्यक्ष जॉनी संथालिया आदि उपस्थित थे। वहीं मंच के द्वारा आज से 24 घंटे ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत कर दी गई। मैं अपने भाई को लेकर के कोविड काल में कलकत्ता में था, उसी में बीच मेरे को बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सचिव का फोन गया कि ऐसे ऐसे बाराहाट में एक शाखा खोलनी है। तो मैं बोला ठीक है, हमें बाराहाट जाता हूँ, उसकी जरूर स्थापना करवाऊंगा। मैं बाराहाट आया, उसके बाद इसमें लग गया, पूरे जोर शोर से तन मन धन से लग गया कि इसकी शाखा खुलवानी है। भड़ेपुरा के इस्लामपुर में निशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। दंत जांच शिविर में डॉक्टर किसानु सिन्हा ने लोगों के दांतों से संबंधित परेशानियों का इलाज किया, साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नौजवान जो नशा गुटखा खाते हैं उन्हें मुंह में कैंसर होने के लक्षण का पता नहीं चलता और आगे चलकर लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिविर में मुख्य रूप से संयोजक रौशन, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद सरफरोज, मोहम्मद सन्नी, मोहम्मद रिजवान खान सहित अन्य लोग उपस्थित थे।